कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू वालों पुलिस लाइन लुधियाना विच स्थापित की गई डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन किया गया, जिथे पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल समेत विभाग के कई होर अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों स्थापित की इस लैब दे लई संस्था दा धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि इस लैब नाल खासकर छोटे पुलिस कर्मचारियों नूं फायदा पहुंचेगा। उत्थे ही उन्होंने पंजाब सरकार दे बजट सैशन दौरान विपक्षी पार्टी वालों किए गए हंगामे की निंदा भी की। सरबत दा भला ट्रस्ट के संचालक जसवंत सिंह छापा ने कहा कि इस लैब विच कर्मचारियों अते आम लोगों के सारे टैसट इको जगह से ही किए जाएंगे, चाहे ब्लड टेस्ट होवे जां कोरोना, सारे टेस्ट इत्थे ही होणगे। इस तो इलावा होर भी कई तरह दी सहूलतां इस लैब विच मुहैया कराईआं जाणगीआं। उधर पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने दस्सिया कि इस लैब दी सहूलतां सारिआं लई उपलब्ध होवेगी, जिस विच छोटे जां गरीब कर्मचारियों कोलों 30% ही चार्ज लिता जावेगा अते आम लोगों कोलों 70% दा चार्ज वसूलिया जावेगा। एक लुधियाना पुलिस का एक होर उपराला है द्योल पैथोलॉजी लैब, उन्होंने एन जी ओ नाल मिलकर एक सर्विस देन दा तुसीं देखिया होना पिछले कोरोना तो बाद एक लुधियाना पुलिस का जिहड़ा ह्यूमन फेस सामने नज़र आया और सारी सोसाइटी खास तौर पर लुधियाने की जनता जिन्हों एप्रीशिएट करती पई है, और साढ़े सी पी साहब राकेश अग्रवाल जी की रहनुमाई दे विच जिन्हें लोग भलाई के काम किए कि सब तो पहला तो मैं उन्होंने एप्रीशिएट किया। एक होर स्टैप है जिसे सारी फोर्स में जड़ा कोई नहीं पे कर सकता छोटा मुलाजम है उन्होंने फ्री 70% लैस तक है, आम जनता नूं भी 30% लैस तक की फैसिलिटी मिलेगी, इत्थे टेस्टिंग फैसिलिटी जड़ी होएगी। मैं जिथे मुबारकबाद देना अग्रवाल साहब नूं, साडे सीपी साहब नूं नाल धन्नवाद करदा सारे द्योल डायग्नोस्टिक लैब वालों का, जिन्हों ने मैनू हुणे इत्थे पता चलिया ये तकरीबन उन्हां दा 27वां सेंटर है ते वो बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इहो जिहा उपराला करते आ रहे हैं। खास तौर पर जो एग्जाम्पल एक सैट करती जा रही है लुधियाना पुलिस सी पी साहब राकेश अग्रवाल जी की रहनुमाई दे विच वो काबले तारीफ है, आने वाली काफ़ी फ्यूचर च याद किए जाएंगे जो उपराले इन्होंने अपने टाइम इतने किए ने, लोगों किस तरीके एक फ्रेंडली एटमोसफीयर देना है, नहीं तो पुलिस का इस तरीके का रोब दाब हुंदा सी आम आदमी इंटरैक्ट ही नहीं सी कर पाउंदा। अज इस तरीके का माहौल बन गया भी हर बंदा कंप्लेंट ले जा के ये समझदा भी मैनू जस्टिस मिलेगा। मैं धन्नवाद करदा खास तौर पर इन्हां दी लीडरशिप विच जिस तरीके इत्थे फोर्स परफॉर्म करदी पई। सर लगातार विरोध विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा सैशन चल रहा है, तो लगता है कि अहम मुद्दे पे गलबात नहीं हो पा रही, विरोधी चक नहीं रहे हैं? ये विरोधी तो कितने ना कितने अपनी जिहड़ी खोई हुई पोलिटिकल जमीन है उन्हों लभण की कोशिश करते पे है, क्योंकि जो पिछले 4 साल दी उपलब्धियां रही हैं साडे सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्हां दी सरकार दी वो बड़ी काबिले तारीफ है, तो जिदे उत्ते पिछले लोकल बॉडीज़ के इलैक्शन के पंजाब की जनता ने भी मोहर लाई है भी वो उन्हां दी जिन्ने काम है डिवेलपमेंट का एजेंडा है तो जो उन्हां दी आइडियोलॉजी है उन्हों पंजाब के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये आज असी जो इनोग्रेशन की है पुलिस लाइन लुधियाने दे विच एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया है, इहदा फायदा मुलाजमान नूं ये होगा कि जिहड़े मुलाजमान ने कोई अपने ब्लड के टेस्ट करवाने हैं या एक्सरे वगैरह कराना है वह पुलिस लाइन के जो असी फैसिलिटी क्रिएट की है उत्थे ही हो जूगा, एंड जिहड़े गरीब मुलाजिम होणगे उन्हां तों ये कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जिहड़े दूजे मुलाजिम जो अफोर्ड कर सकते उन्हां दा 30% चार्जेस ही लिए जाएंगे, जिहड़ी भी मार्केट रेट की टेस्ट की होगी वह तो केवल 30% ही लिया जाएगा। ये फैसिलिटी असी पब्लिक लिए भी ओपन की है तो पब्लिक नूं भी ये जिहड़ी जो लैब है ये 30% ऑफ देगी, केवल उन्होंने 70% ही चार्जेस ले जाएंगे। इहदा फायदा मुलाजमान नूं काफ़ी होगा क्योंकि कोरोना करके मुलाजमान नूं काफ़ी सारी बीमारियां का सामना करना पै रहा है तो वो उन्होंने टेस्ट जोड़े है वह रियायती रेट से होना अपनी इन बीमारियों का पहले ही पता लग जूगा ताकि वो समय सिर अपना इलाज करा सकें। अज तो थोड़ा टाइम पहला ना जी पुलिस लाइन के असी लैब बनाउणी सीगी जिन्ने मुलाजम ने इत्थे उन्होंने लिए ये असी जिहड़ी अज लैब इत्थे द्योल डायग्नोस्टिक पैथ लैब बनाई आ उहदे वल्लों असी यह 30% ते करांगे पुलिस के मुलाजम जिन्ने आ जी, जिहड़ी पब्लिक आ उहनूं 20% देवांगे। हाँ जी फायदा ही फायदा जी 70 रुपए का फायदा होगा रुपये मगर जी। हाँ जी लाइबा साढ़िया चलदिया ने सरबत के भले वालों अज 27वीं लैब है साड़ी उदा
हाँ सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों, लेकिन ये लैब थोड़ा जहाँ मशीनरी ज़्यादा वड्डी होने करके ना यदा सामभ संभाल जी करन लई वो फिर वक्रे तौर पर असी करती है। बाकी तो अगर असी संभा के चले जाने यू असी आप हूँ डील कर रहे हैं। टेस्ट भाजी सारी है ये जिहड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਗੜਗਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅਰੂਬਰੂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84084।